आपके साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ सचिन पायलट की यात्रा का आज दूसरा दिन है। पायलट के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक यात्रा में चल रहे हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। अनुशासनहीनता के आरोप पर कहा कि वसुंधरा राजे के राज के वक्त हुए करप्शन के पायलट ने गहलोत खेमे की तरफ से लगाए जा रहे आरोप पर भी तीखा पलटवार किया है। सचिन पायलट ने कहा, मैंने जब अनशन किया तो वसुंधरा राजे के करप्शन के खिलाफ ही किया। मुझे समझ में नहीं आता कि यह पार्टी के अनुशासन को लांघने जैसा कैसे हो जाता है। अनुशासन तोड़ने का काम तो 25 सितंबर को किया गया था, जब सोनिया गांधी के स्पष्ट आदेश थे, दोनों पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक करवाने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर बैठक रखने के बावजूद वह क्यों नहीं हो पाई। बाद में विधायकों ने इस्तीफे दिए। स्पीकर ने कोर्ट में कहा कि इस्तीफे रिजेक्ट इसलिए करने पड़े क्योंकि विधायकों ने खुद की मर्जी से इस्तीफे नहीं दिए थे। फिर किसकी मर्जी से इस्तीफे दिए थे, ये सचिन पायलट की ओर से एक बड़ा सवाल है। क्या कोई दबाव था? जहां तक बात अनुशासन की है तो मापदंड सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो हमारे साथी विधायकों ने इस्तीफे दिए, क्या सरकार संकट में नहीं थी? यह सचिन पायलट की ओर से एक बड़ा मुद्दा है जो इन 5 दिन की यात्रा में उठाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।